दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में ये जानना चाहते हैं कि पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति के नियम को तालिका और रेखाचित्र इन दोनों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, ताकि दोस्तों मैं आपको पूर्ति के नियम को बहुत ही आसानी से समझा सकूं, बहुत ही सरल शब्दों में समझा सकूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ति के नियम को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों विक्की की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं, जिसके कारण दोस्तों अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हो, तो आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूर्ति के नियम के अर्थ को जानते हैं। दोस्तों, पूर्ति के नियम को अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले, अन्य बातें समान रहने पर। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये अन्य बातें समान रहने पर का क्या मतलब है। दोस्तों, बाजार में एक वस्तु की या एक सेवा की पूर्ति वस्तु की खुद की कीमत के कारण और गैर कीमत कारकों के कारण। दोस्तों, पूर्ति फलन पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था। पूर्ति फलन क्या है दोस्तों, इसको समझिए पहले। दोस्तों, एक वस्तु की जो पूर्ति होती है दो कारकों से प्रभावित होती है, एक तो वस्तु की कीमत और एक दोस्तों गैर कीमत। गैर कीमत में बहुत सारे कारक आ जाते हैं, फर्म का उद्देश्य आ जाता है, फर्मों की संख्या आ जाती है, उत्पादन के कारकों की कीमत आ जाती है, बहुत सारे कारक होते हैं, कहते हैं सरकारी नीतियां आ जाती है, बहुत सारे उसमें कारक आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि एक वस्तु की पूर्ति बाजार में ज्यादा होगी या कम होगी, वो केवल दो ही प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। एक दोस्तों वस्तु की कीमत और दूसरा दोस्तों वस्तु की गैर कीमत। गैर कीमत में दोस्तों बहुत सारे आ जाते हैं, फर्मों का उद्देश्य आ जाता है, फर्मों की संख्या आ जाती है, उत्पादन के कारकों की कीमत आ जाती है, उत्पादन के कारकों की उपलब्धता आ जाती है, सरकारी नीति आ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों गैर कीमत कारकों में। पर दोस्तों, जब भी हम पूर्ति के नियम का अध्ययन करते हैं तो जो गैर कीमत कारक होते हैं, जैसे फर्मों का उद्देश्य, फर्मों की संख्या इत्यादि, उनको दोस्तों हम कांस्टेंट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पूर्ति का नियम केवल दो ही बातों पे फोकस करता है, एक वस्तु की पूर्ति, दूसरा वस्तु की कीमत। और जो बाकी कारक जो होते हैं, जो उसकी पूर्ति को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं, उन सबको हम दोस्तों स्थिर मान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है। अन्य बातें समान रहने का यहाँ पे अर्थ यही है कि जो भी वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी कारक प्रभावित करते हैं, उनको हम स्थिर मान लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी, तथा वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति की मात्रा घट जाती है। तो दोस्तों, आपने ये पाया, अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी पूर्ति घटेगी। आप ये प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मान लीजिए आप बाजार में कोई वस्तु बेचते हो, आप मान लीजिए आप कोई विक्रेता हो या उत्पादक हो या फर्म हो, आपकी वस्तु की कीमत अगर मान लीजिए बाजार में बढ़ती है, आप ज्यादा बेचोगे कम बेचोगे, आप ज्यादा बेचोगे, और यदि आपकी वस्तु की कीमत घटती है तो आप क्या करोगे दोस्तों, नेचुरल सी बात है, आप कम बेचोगे। तो यही बात हमें पूर्ति के नियम ने भी बताई कि पूर्ति का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमत घटने पर उसकी पूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। अर्थात दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। दोस्तों, इस रेखा चित्र के माध्यम से मैं पूर्ति के नियम को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, पूर्ति के नियम में तीन बातें इंपॉर्टेंट रखती है, एक वस्तु की कीमत, दूसरा वस्तु की पूर्ति और तीसरा दोस्तों अन्य बातें समान रहने पर। ये अन्य बातें समान रहने पर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक वस्तु की पूर्ति बाजार में कई सारे कारकों से प्रभावित होती है, जो मेनली दो तरीके की होती है, एक पूर्ति कीमत कारक और एक गैर कीमत कारक। गैर कीमत कारक जितने भी होते हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, पूर्ति के नियम का अध्ययन करते हुए स्थिर मान लेते हैं, यानी फिक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों, वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि आप भी देख लीजिए, अगर आप बाजार में कोई भी वस्तु बेच रहे हो, अगर आपकी बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा वस्तु बेचने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यदि इसी के उल्टा अगर वस्तु की कीमत घटती है तो दोस्तों पूर्ति की मात्रा भी घटती है। आपने पाया कि प्राइस घटा, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस डिक्रीज हुआ यानी घटा तो दोस्तों सप्लाई भी घटी। तो आप ये कह सकते हो कि पूर्ति, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है या प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, या दोस्तों मैं कह सकता हूं कि सीधा संबंध पाया जाता है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, दोनों ही एक ही दिशा में चलते हैं। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसके तालिका को देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूर्ति के नियम को तालिका के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है दोस्तों। तो द लॉ ऑफ सप्लाई बाय टेबल, यानी पूर्ति के नियम का यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेनेशन है, मैं पूर्ति की तालिका से कर रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों, मैंने मान लिया ऐसा कि मैं मोबाइल बेच रहा हूं मार्केट में। जब मेरी मार्केट में मेरे मोबाइल की कीमत 500 रुपए थी तो मैं उसकी 1,00,000 इकाइयां यानी 1,00,000 उसकी यूनिट्स बेच रहा था। जैसे ही मेरी कीमत 200 रुपए इंक्रीज की तो मैं 1,30,000 मोबाइल बेचने लगा। तो आप देख सकते हो कि जैसी वस्तु की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ, ठीक वैसे ही मैंने 30,000 मोबाइल और बढ़ा दिए और मैंने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दोस्तों नेचुरल सी बात है, मेरी वस्तु की कीमत बढ़ी है। और दोस्तों अर्थशास्त्र यही बात समझाता है, विवेकशीलता। एक उत्पादक हमेशा किसका पीछा करता है? अधिकतम लाभ का पीछा करता है। अधिकतम लाभ उसे कब होगा? अगर जब उसकी वस्तु की कीमत बढ़ रही है और अगर वो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा तो दोस्तों कहां से वह अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए दोस्तों विवेकशीलता ही अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों जैसी दोस्तों मेरी कीमत 700 से 900 हुई तो मैंने फिर अपने 20,000 मोबाइलों की और संख्या को बढ़ा दिया। पहले 700 में 1,30,000 यूनिट्स बेच रहा था, जबकि 900 में मैं 1,50,000 यूनिट्स बेचने लगा। फिर जैसे ही मेरे 100 रुपए और बढ़ गए तो मेरी जो पूर्ति है तो 1,70,000 मोबाइल में मार्केट में बेच रहा हूं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे जैसे वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी जो है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड जो है, पूर्ति की गई मात्रा जो है वो बढ़ रही है। दोस्तों इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए कि वस्तु की कीमत बढ़ने का इम्पैक्ट वस्तु की पूर्ति पे ये पड़ता है कि पूर्ति बढ़ने लगती है। अगर दोस्तों मैं इसके उल्टा सोचूं, अगर जब मैं 1,000 रुपए मेरी वस्तु मार्केट में है तो मैं 1,70,000 मोबाइल बेच रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरा प्राइस 100 रुपए कम हो जाए तो मैं मात्रा घटाऊंगा, 200 कम हो जाए फिर मात्रा घटाऊंगा। यानी आप देख रहे हो कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटने से पूर्ति घटेगी, क्योंकि दोस्तों
एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की गई मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। दोस्तों ये याद रखना कि इन दोनों के बीच में यानी पूर्ति वस्तु की कीमत और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में हमारा धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने से पूर्ति घटती है। अब दोस्तों हम पूर्ति के नियम को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हम ये जानते हैं कि पूर्ति के नियम को डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दोस्तों पी पर क्यू क्वांटिटी बिक रही है, मान लीजिए बाजार में पी पर क्यू क्वांटिटी बिक रही है। जैसे सडनली क्या हुआ, वस्तु की कीमत ओ पी से बढ़कर ओपी वन हो गई, जिसका इंपैक्ट बाजार में ये पड़ा कि जो विक्रेता था उसने अपनी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ा दी। तो पहले तो दोस्तों अब ये देखिए, तो आपने पाया कि ये देखिए, ये है हमारा पूर्ति फलन, ये पूर्ति वक्र है, सॉरी माफी चाहता हूं, पहले बिंदु ई पर था, अब दोस्तों ई वन पर है। तो आपने पाया कि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मात्रा भी बढ़ गई, यानी आपने पाया कि अगर वस्तु की कीमत ओपी से बढ़कर ओपी वन हो गई तो पूर्ति की गई मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। अगर मैं इसके विपरीत सोचूं, अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत घट जाती है तो दोस्तों नेचुरल सी बात है मात्रा भी घट जाएगी। आप ये पाओगे कि वस्तु की कीमत OP से घटकर OP2 होने के कारण पूर्ति की गई मात्रा जो OQ थी पहले OQ से घटकर OQ2 हो जाएगी। तो ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी रेखा चित्र के माध्यम से भी, इसके रेखा चित्र को भी समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आपने ये पाया पूर्ति के नियम में कि पूर्ति का नियम हमें यही बात बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बाजार में उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, तथा कीमत घटने पर उसकी पूर्ति की मात्रा घट जाती है। और ये बात दोस्तों आप बचपन से ही जानते होंगे, बस मैंने कुछ नहीं किया है, बस आपके ज्ञान को रिकॉल करवाया है दोस्तों। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है यदि आप उसको समझते हैं, और इकोनॉमिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है यदि आप उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। विकी की पाठशाला में दोस्तों आपको बातें समझाई जाएंगी, ना कि रटवाई जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और विकी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों आपके जो कमेंट मुझे मिलते हैं मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। जो भी लोग मुझे कमेंट में टॉपिक बताते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे उन सभी टॉपिक को बनाने के लिए। आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ दोस्तों विकी की पाठशाला को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं पूर्ति के ऊपर किसी अलग टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस पर आपको एक वीडियो दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।